नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो बहुत ज्यादा डिमांड था कि इंग्लिश के बारे में बताइए, इंग्लिश के बारे में बताइए। तो देखिए, इंग्लिश बहुत बड़ा है, एक वीडियो में खत्म नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया है। लिटरेचर, वो कैब, तीसरा है आपका ग्रामर, और चौथा है आपका प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ठीक है, तो आज हम पहला पार्ट देख रहे हैं, रीडिंग स्किल, मतलब कि लिटरेचर आपको कैसे अच्छा करना है। रीडिंग स्किल के पहले आपको कुछ फायदे बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि रीडिंग स्किल को ठीक कैसे करना है। ठीक है, रीडिंग स्किल से क्या होता है ना, जैसे आपको पढ़ने की आदत हो जाती है, तो पढ़ने की आदत होने के बाद ना आपके अंदर वो इंटुएशन, भावना जागृत होने लगती है कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कई क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन आपकी रीडिंग से ठीक हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, समझ रहे हैं। जैसे आप रीडिंग कर रहे हैं, अब रीडिंग करने का मतलब क्या होना चाहिए कि रीडिंग जैसे आप कर रहे हैं तो आप कैसे पता चलेगा कि आपको रीडिंग समझ में आने लगी या रीडिंग आपका ठीक हो गया है। अब जैसे आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, राम इज अ वीवर, एक सेंटेंस है, ठीक है, तो आपके दिमाग में पैरेलल पैरेलल चलना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ राम इज अ वीवर, तो इसका हिंदी मतलब है राम एक बुनकर है। ठीक है, अगर आपको दोबारा एक लाइन पढ़ के दोबारा से लाइन पढ़नी पड़ रही है अगर आपको उसकी हिंदी को समझने के लिए, इसका मतलब कि आपका कंप्रेंशन अभी वीक है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है, रीडिंग से आपका हर एक चीज ठीक होगा, एरर ठीक हो सकता है, इंप्रूवमेंट ठीक हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स ठीक हो सकता है, आपका कंप्रेहेंशन और क्लोस्टेज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो ठीक होगा, और सबसे जो टफ आ रहा है आजकल मेंस में चाहे प्री में, वो है आपका PQRS पैराजम्बल, जो कि आपके रीडिंग से ही ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं रीडिंग कैसे करना है, क्योंकि मैंने जब अपना पेपर स्टार्ट किया था देना, जब मैंने पहला मॉक दिया था, तो मेरे इंग्लिश में आए थे 15 नंबर 50 में से, और आज मेरे इंग्लिश में आते हैं 50 में 50, 50 में 47.5। तो ये सफ़र मैंने कैसे तय किया और कैसे मैं रीडिंग को अपना अच्छा बना पाया, ये जानेंगे। ठीक है, आपको भी यही करना है जो मैं कर रहा हूँ। स्पेशली जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रीडिंग करना, क्योंकि रीडिंग से आप बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सोर्सेज बताता हूँ, दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, आपको या तो NCERT पढ़िए या तो ऐसा कुछ पढ़िए जिस जो चीज़ आपको समझ में आती हो। आपको मैं नहीं पढ़ रहा कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग कभी अच्छी नहीं हो पाएगी स्टार्टिंग में। न्यूज़पेपर बहुत ही हाई लेवल की होती है, बहुत ही अच्छा लैंग्वेज लिखा होता है उसमें, आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, छोटे से स्टार्ट करना और यहाँ तक पहुँचना है, और मैं आपको बताऊँगा कब क्या पढ़ना है। फिलहाल आपके पास दो चॉइसेस हैं, मेरे पास दो चॉइसेस थे लेकिन मैंने चॉइस किया, आपके पास भी दो चॉइसेस, मैं वही दे रहा हूँ आपको। या तो आप NCERT उठाइए, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की NCERT पढ़िए, इंग्लिश की NCERT है। ठीक है, इंग्लिश जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो NCERT का बुक आता है क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक 9 तक 10 तक पढ़िए, इजी लैंग्वेज होता है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो जो चीज़ आपको पसंद हो, जैसे कि मुझे महादेव बहुत पसंद है, तो मैं महादेव के बारे में सब कुछ पढ़ता है। जैसे आपको मैं अपनी किताबें दिखाता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ, मैं अपनी किताबें दिखाता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ। देखिए, ये कुछ किताबें लगी हुई हैं जो मैं पढ़ता हूँ, श्री राम की है, रावण की है, सीता है, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द ओथ ऑफ वाईपुत्र, वॉर ऑफ लंका, तो ये सारी किताबें मुझे बहुत पसंद है। जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आता है और मुझे चीज़ें समझ आती है तो अच्छा लगता है, और जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी ना तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आप और भी रीडिंग करेंगे, और जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर होगा, मैं ये लिख के दे रहा हूँ। ग्रामर का ज़्यादा रोल नहीं होता है, मेन रोल है रीडिंग का और वोकेबलरी का, तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट को, ये दोनों पार्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत करना है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप NCERT मंगा लीजिए, या तो ऐसी किताबें 130 140 रुपये में मिल जाती हैं, 4 5 किताबें मिल जाती हैं ऑनलाइन, मतलब पेपर अच्छा नहीं होता लेकिन अपने को पेपर से क्या करना है, अपने पढ़ने से मतलब है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़िए, जरूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़िए। आपको अगर सरिता मैगजीन पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सरिता मैगजीन पढ़िए, लेकिन इंग्लिश में पढ़िए। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं वो इंग्लिश में करिए, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ना कैसे है, जैसे कि आपने आज एक पेज पढ़ा, तो एक पेज में जो जो वो कैप का मतलब आपको समझ में नहीं आया वो आपको पेपर पे कहीं राइट में लिख लेना है। ठीक है, पेपर पे लिख लेना है, उसके बाद उसका मीनिंग लिखना है, उसके बाद उसका मीनिंग लिखना है, उस मीनिंग को याद करना है, और उसके बाद जब आप अगले दिन रीडिंग करने जाएंगे तो आपको अगले दिन फिर से वही पेज पढ़ना है एक बार, और आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हाँ इस पेज का मतलब क्या है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको कम से कम डेली आधा घंटा रीडिंग करना है, कम से कम आधे घंटे रीडिंग करना है, इसी तरह करना है, पेज पे लिखना है वो कैब को जो भी आपने आज, जैसे आपने आज पेज नंबर 1 पढ़ा, तो पेज नंबर 1 में आपने 5 वो कैब ऐसे थे जिसका मतलब आपको पता नहीं था, तो उस 5 वो कैब को आपने पेज पे लिख लिया, उसका मतलब लिख लिया, उसको जेब में रख लिया, पूरे दिन उस 5 वो कैब को याद करते रहे, उसके बाद अगर बीच में ही उसके बाद कहीं बीच में ही समय मिल गया तो आप उस एक पेज को फिर से पढ़ लिए, अदरवाइज जब दूसरे दिन आप रीडिंग करने जा रहे हैं तो उस पेज को आप एक बार फिर से पढ़ेंगे रिवीजन के लिए, उसमें आपको एक से ज़्यादा 2 मिनट लगेगा, आपको वो पेज समझ में आना चाहिए, तब ये समझ लीजिए कि आपकी रीडिंग स्किल जो है धीरे धीरे डेवलप हो रही है।
ये था कंप्लीट रीडिंग स्किल, ठीक है। आपको इसी तरह अपने रीडिंग स्किल को मजबूत करना है, क्योंकि रीडिंग स्किल इज द मेन थिंग इन द मेंस या प्री, आप कहीं भी कहीं इंग्लिश में, आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो आपका रीडिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपसे बस मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए। इतना कुछ मैं आपको बता रहा हूँ तो एक चीज़ मांगता हूँ आपसे, वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलता हूँ, जय हिंद।